सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप लोग? सब लोग आई होप आप सब बढ़िया हैं, डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आपका वन प्लस बर्ड्स जी का एक टीरलेस केबल्स कहीं खो गया है एंड आपके रूम में ही है, आपके घर में ही है एंड आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि कैसे आप उसको देखेंगे एंड कहाँ उसको ढूंढेंगे, तो कैसे आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जेस्टेक एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे स्मार्टफोन स्क्रीन पे एंड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली होती हैं, क्योंकि जब भी आप अपने टीटल्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ईयरबड्स कनेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज आपको जो है गूगल की फाइंड माई डिवाइस ऐप यूज़ करनी होगी। तो अभी हम आ चुके हैं अपने जो स्मार्टफोन स्क्रीन है उस पर, मैं अपने ईयरबड्स कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइंड माई डिवाइस या फाइंड डिवाइस का। फाइंड डिवाइस पे आने के बाद आई थिंक ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही इसका ईयरबड्स है, तो आप इसको रिंग करा सकते हैं। ओके, तो जो भी आपका ईयरबड्स हुआ हुआ है उसको आप रिंग करा सकते हैं। मेरा तो परमानेंटली गया हुआ है, उसको मैं नहीं फाइंड आउट कर सकता। आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि लाइटली आवाज़ आ रही है एंड ये आवाज़ से आई होप आपको अपना जो डिवाइस है, अपने ईयरबड्स TWS वो फाइंड आउट करने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी एंड अपना जो वन प्लस बर्ड्स जी हैं उसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अदर देन गाइज, अगर आप अभी भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं देन आपको जो गूगल है फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन उसका यूज़ करना होगा। अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए कि आपको नहीं पता कि कैसे उसको यूज़ करते हैं देन डेफिनेटली मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो ला के दूंगा एंड उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।